आज हम साइटिका की कसम देखेंगे। साइटिका क्या है ये हमें गुरुजी ने बताया था, लेकिन फिर भी समझ ले कि साइटिका जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी प्रमुख नव है, जो हमारे लंबन के चौथे और पांचवें मंके से निकलकर हमारे पैरों की दोनों साइड में जाती है। इसको ढूंढने का तरीका बहुत ही सरल है, जहाँ हमारे पेंट की सिलाई आती है वही हमारी साइटिका नव के पॉइंट्स है। इसे करने के लिए सबसे पहले कसरत करनी है, उसे हम कहते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के लिए दोनों पैरों को अंदर की ओर खींचे और पकड़कर आप बिल्कुल सीधे टट्टार बैठिए। फिर दोनों पैरों को पंछी की तरह हिलाना है, इस तरह एक मिनट तक निरंतर करते रहिए। सुबह और शाम एक एक मिनट करने से आपको साइटिका में बहुत ही राहत पहुंचेगी। साइटिका के दर्दी को खाने पीने में भी परहेज रखनी है। खट्टी चीजों को दूर नहीं खाना है, तीखी चीजों को नहीं खाना है, बासी चीजों को नहीं खाना है, और कसरत करते रहना है, अपना पोस्चर सही रखना है, ताकि साइटिका में जल्दी से फायदा हो। इस तरह ये बटरफ्लाई की कसरत करने से साइटिका में फायदा होता है। साइटिका के लिए दूसरी कसरत है जिसे हम कहते हैं साइटिका बाथ। उसे करने के लिए हमें बाथरूम में जब नहाते हैं उसी वक्त नहाते समय हमें दोनों पैरों के ऊपर साबुन लगाकर हमारे पैर की जो एड़ी है, एड़ी से साइटिका के पूरे हिस्से पर घिसाव लाना है। तो इसको करने के लिए जब साबुन लगाने के बाद में दूसरे पैर की एड़ी लेकर ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक पैरों की एड़ी से घिसाव लाना है, और फिर दूसरे पैर से लेकर इस तरह दोनों तरफ से करना है। तो ये करने से साइटिका में फायदा मिलता है। जो व्यक्ति शायद मोटी हो, ज़्यादा वजन हो, और वो व्यक्ति अगर अपने पैरों को यहाँ तक नहीं पहुँचा सकती, उसे साबुन लगाकर अपने घर में अगर वेलन की रोलर की कुछ है तो उससे घिसकर इस पर दबाव लगाना चाहिए। इस तरह करने से आपकी साइटिका की तकलीफ दूर होगी और आप वापस तंदुरुस्त हो जाओगे। जय भगवान।